ये है सस्पेंड हो चुके सरकारी शिक्षक राजेश कनोजे, जो आजकल पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुके हैं, जिसकी वजह ये है कि शिक्षक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया है, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। शिक्षक राजेश कनोजे पर इस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में सियासी माहौल गर्मा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दरअसल राजेश कनोजे ने आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर खरगोन जिले में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान राहुल गांधी से आदिवासी समाज के मुद्दों पर बात करने के बाद उन्हें तीर कमान भी पेट किया था, लेकिन 25 दिसंबर को सहायक आयुक्त बड़वानी द्वारा निकाले गए आदेश के बाद राजेश कनोजे को निलंबित कर दिया गया। मेरा नाम राजेश कनोजे है और मैं ऐसे शिक्षक हूँ और आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता भी। कनोजी जी, आपको सस्पेंड किया गया है? हाँ। क्या वजह रही, क्यों किया गया? मेरा इसलिए सस्पेंड किया गया कि मैं सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई मेरी, और राहुल जी ने मेरे को बड़े गर्म जोशी से मुलाकात करके सवाल भी करे, तो मैंने उनको बताया कि और कि हमारे आदिवासी समाज का जो है अस्तित्व खतरे में है, उनके जंगल जमीन जो है कंपनियों के हाथ में जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट एक्ट कानून है उसके तहत हमारे लोगों को जो है उनके अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इन बातों को रखा और साथ ही मैंने राहुल गांधी जी से मुलाकात होने के समय में ही जो है राहुल जी ने जो है मेरा परिचय पूछा, पूछने के बाद में मेरे हालचाल पूछा, हालचाल पूछने के बाद में जो है तीर धनुष था जो हम पारंपरिक हमारा हथियार था उनको भेंट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हथियार चढ़ाओ, तीर चढ़ाओ और मेरे को तीर लगा के दो, तो मैंने उनको तीर लगा के दिया। लेकिन इसी राहुल गांधी से मुलाकात करी तो उसमें जो है हमारे जिले के सहायक आयुक्त ने जो है मुझे निलंबन कर दिया गया। निलंबन पत्र में क्या लिख के क्या कहा? निलंबन पत्र में ये लिखा है कि आप जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इसीलिए आपको जो है निलंबन किया जाता है। वही इस पूरे मामले पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि इस कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार डरी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा में शिक्षक शामिल हुए थे राजेश कनोजे, उन्हें सस्पेंड किया गया। ये देखिए, इनके जो इनकी मानसिकता के जो एम्प्लॉयज है, जो कितने इस तरह के इनके पॉलिटिकल कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी जी ने इनकी नींद हराम कर दी है भाजपा की, जिसमें मुख्यमंत्री जी और ये सब भी आते हैं। अगर कोई शामिल हो गया है और उस नाम से भारत जोड़ो यात्रा के नाम से राजेश कनोजे को निलंबित कर रहे हैं, ये मैंने खुद ने भी ऑर्डर जो देखा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि कितने शिवराज सिंह जी और भाजपा डरी हुई है, और इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता चुका देगी जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और जहाँ शिक्षक का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी से आदिवासी समाज की समस्याओं के संबंध में मुलाकात की थी, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस खुलकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है। बाला बच्चन ने साफ कर दिया है कि शिक्षक कनोजे पर ये कार्रवाई प्रदेश सरकार की हताशा को दर्शाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़वानी से संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।